Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, today we will start the first exercise of the chapter Arithmetic Progression. तो इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड उनके क्या निकालेंगे उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई. स्टूडेंट यहां पर हमें कुछ सिचुएशन दी गई है और इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ नंबर ऑब्टेंड होंगे. हमें देखना है कि वो नंबर्स जो है वो एपी को यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं या नहीं करते और रीजन भी देना है कि अगर करते हैं तो क्यों करते हैं और नहीं करते तो क्यों नहीं करते. सी द फर्स्ट सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. एक टैक्सी का फेयर यानी टैक्सी का किराया जो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए है 15 रुपीज है और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पर किलोमीटर. सी किस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर जो है ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना देना होगा रुपीज 15. अगर आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो टैक्सी का फेयर कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 जो कि कितना आएगा 23 रुपीज. अगर आप 3 किलोमीटर करते हैं तो फिर से 23 में 8 ऐड कर देंगे और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 31 रुपीज. और अगर आप 4 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो 31 में ऐड और हो जाएगा 8 उसके बाद आपको क्या मिलेगा 39 एंड सो ऑन. इस तरह से टैक्सी का फेयर जो है इंक्रीज होता रहेगा. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर इसी चीज को लैंग्वेज में लिख देता हूँ. टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर आप करते हैं तो वो कितना हो जाएगा रुपीज 15 ये गिवन है. और टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर अगर आप 2 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 15 प्लस 8 यानी के रुपीज 23. और अगर आप 3 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 23 प्लस 8 दिस इज 323 प्लस मैसेज 8 और इस केस में आपको रुपीज 31 पे करने होंगे. और 4 किलोमीटर के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर 31 में 8 ऐड करा देंगे तो आपको 39 रुपीज देना होगा. अब ये जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं सिंस नंबर इन्वॉल्व हेयर आ ये नंबर क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं 15 तो उसके बाद 23 उसके बाद 31 उसके बाद 39 एंड सो ऑन. अगर मैं आगे देखूं तो वो कितना आएगा 47 एंड सो ऑन. नाउ दीज नंबर फॉर्म एन एपी ये एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं तो दीज नंबर्स फॉर्म्स मैं इसे लिख देता हूं नंबर्स फॉर्म एन एपी अरिथमेटिक. क्यों क्योंकि बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव अगर आप देखें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में यानी लगातार जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स उनका जो डिफरेंस है इस सेम वो सेम है. जैसे आप देखें 23 माइनस 15 करूं वो 8 है उसके बाद 31 माइनस 23 करूं वो 8 है एंड सो ऑन ये 8 आ रहा है तो इसीलिए ये एपी को फॉर्म कर रहे हैं. अब इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड सिचुएशन थी वो देखते हैं. सेकेंड सिचुएशन कहती है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप इज रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. एक यहां पर अगर हम देखें दिस इज अ सिलेंडर अगर इस सिलेंडर के अंदर क्या है एयर है और हर बार क्या होता है जब एयर से आप इसे वैक्यूम से दिस इज अ वैक्यूम पंप ये वैक्यूम पंप क्या करता है एयर को बाहर निकालता है और हर बार क्या करता है जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 जो है वो बाहर की तरफ निकाल देता है 1/4 एयर. तो अगर मैं मान लेट इनिशियली से हमें पता नहीं कि एयर कितनी है तो मैं मान लेता हूं लेट इनिशियली एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितनी होगी
मैं इसे मान लेता हूँ 200 या 512 मान लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको 512 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना है। अब क्या कहते हैं, एयर आफ्टर फर्स्ट एविक्शन, फर्स्ट एविक्शन के बाद, यानी जब आपने बाहर निकाला है फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप को, आपने क्या करा, जो इसे क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है, एयर को बाहर निकालता है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 एयर यहां से चली जाएगी, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। अगर आप किसी चीज का 1/4 निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, 3/4, तो वो कितना हो जाएगा, 3/4 × 512, और इसको जब आप करेंगे 4 × 4 देन 1/1, 4 × 8 देन 3 × 4 = 128, और जब 3 से करेंगे 3 × 8 = 24, कैरी 2 कैरी 3 8 एंड 3 × 6 और 2 8 और 3 × 1 = 3, ये आपका आ जाएगा। नाउ एयर आफ्टर सेकेंड एविक्शन, दूसरे एविक्शन के बाद फिर से 1/4 निकल जाएगी ये जो रिमेनिंग है इसका, और इसका 3/4 बचेगा जो कि कितना होगा, दिस, इसे जब आप करेंगे दिस यहां पर है 4 × 9 = 36 देन 2/4 ये 4 × 6, और जब आप इसे 3 से करेंगे 3 × 6 = 18 एंड 3 × 9 = कितना होगा, 27 / 1 = 28 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आफ्टर एयर आफ्टर थर्ड एविक्शन, वन फोर्थ फिर से निकल जाएगी तो 3/4 बचेगी, 3/4 of 288, और जब 4 से करेंगे आप ये कितना आ जाएगा, 4 × 7 = 4 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6, 3 × 7 = यहाँ पर 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर्स इन्वॉल्व इन दिस, नंबर क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैंने 512 लिया, उसके बाद जो है 1/4 जाने के बाद 512 के बाद क्या बचा है, 384, उसके बाद क्या बचा है, 384 एंड सो ऑन, 384 के थर्ड एविक्शन के बाद 288, उसके बाद 216 एंड सो ऑन, इस तरह से 1/4 कम होती जाएगी। तो अब अगर आप देखें यहां पर डिफरेंस बिटवीन 512 एंड 384 ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे निकालूं यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 10 में से यहाँ पर हम 8 करेंगे तो 2 जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे तो 128 आया, जबकि डिफरेंस बिटवीन अगर मैं निकालूं 384 एंड 288 तो ये कितना आएगा, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 आएगा, ना उसके बाद 17 में से 8 जाएंगे तो 9 आएगा एंड दिस 96। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दो के बीच का डिफरेंस और इन दो के बीच का डिफरेंस, यानी इनका और इनका डिफरेंस, सिमिलरली इनका और इनका डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा, सिंस डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, दिस मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is not same, ये same नहीं है, therefore it does not form an AP, ये एक arithmetic progression को form नहीं करता। तो ये क्या थे, first two part थे question 1 के, अब इसका third part हम next में करेंगे।